वेलकम बैक टू आवर सॉलिड वर्क पार्ट डिजाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिजाइन करेंगे और देखेंगे किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस पार्ट को डिजाइन किया जा सकता है। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ये ड्राइंग मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में रख दिया, वहां से डाउनलोड किया जा सकता है। इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम इसका जो बेस फीचर है उसको ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जो इसके ऊपर एडिशनल फीचर्स हैं इनको हम ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में जाएंगे और सबसे पहले अपना रिक्वायर्ड फेस सिलेक्ट करेंगे। तो इस बार जो हम रिक्वायर्ड स्केच प्लेन सिलेक्ट करेंगे वो फ्रंट प्लेन होगा और हम अपनी रिक्वायर्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाली हम शेप लाइंस की ड्रॉ करते हैं। अब हम इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो टोटल डायमेंशन जो हमारे पास आ रही है दैट इज 92 मिलीमीटर और एक सेंटर लाइन भी हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि उस सेंटर लाइन के अबाउट हम अपने स्केच को सिमेट्रिक बना सकें। तो इन तीनों लाइंस को सिलेक्ट करने कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, सेंटर लाइन और जो ये वाली दोनों लाइंस हैं, इन तीनों लाइंस को सिलेक्ट करने और यहाँ पे मैं रिलेशन दे दूंगा सिमेट्रिक का, क्लिक ओके। उसके बाद रिमेनिंग डायमेंशन देते हैं। सो रिमेनिंग डायमेंशन हमारे पास दिस इज 14 मिलीमीटर, दिस डायमेंशन इज 18 मिलीमीटर और ये हमारे पास जो है वो इस टाइम स्केच फुली डिफाइंड है। इसी के ऑफसेट पे हम इसी तरह की एक शेप ड्रॉ करेंगे दोबारा से। तो इसी के ऑफसेट पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यूजिंग ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे और रिक्वायर्ड हमने ऑफसेट डिस्टेंस 6 मिलीमीटर देना है। रिक्वायर्ड चेन सिलेक्ट करते हैं, ये वाली हमारे पास रिक्वायर्ड चेन आ जाएगी जो हमने सिलेक्ट करनी है। इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कैप एंड्स आर्क भी दे सकते हैं लाइंस, तो हम यहाँ पे लाइंस सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे। ये हमारे पास जो है वो एक बेसिक इसका स्केच जो है वो कंप्लीट हो गया। इसको भी हम रिक्वायर्ड फुली डिफाइन हो जाए, इन लाइन्स को भी हम सिमेट्रिक कर देते हैं। दिस लाइन सेंटर लाइन और ये वाली लाइन इसको हम सिमेट्रिक कर देते हैं। दिस लाइन सेंटर लाइन और ये वाली लाइन और इसको हम मेक सिमेट्रिक रिलेशन दे देते हैं। तो ये हमारा इस टाइम स्केच फुली डिफाइन हो जाएगा। एक और चीज जो हम करेंगे यहां पे, यस दैट्स फाइन, ठीक है, उसमें हम अभी बाद में देख लेते हैं। ओके, ये हमारा जो है फर्स्ट स्केच इस टाइम कंप्लीट है। इसको हम रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन दे देते हैं नेक्स्ट फीचर को ड्रॉ करने से पहले। तो यहाँ पे एग्जिट स्केच करने की जरूरत नहीं है, फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और यहाँ पे अलोंग द मिड प्लेन मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा 40 मिलीमीटर, क्लिक ओके। ये मेरे पास इस टाइम इसका बेस फीचर कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट फीचर इसका ड्रॉ करूंगा। तो नेक्स्ट फीचर ड्रॉ करने के लिए इस प्लेन पे मैंने ड्रॉ करना है, तो यही वाला फेस मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोई सा फेस सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट या लेफ्ट, और स्केच में जाएंगे और इस स्केच को क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अब मैं अपने नेक्स्ट फीचर का स्केच ड्रॉ करूंगा। तो मैंने कुछ सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। ओरिजिन पे मैं 4 सर्कल्स ड्रॉ करूंगा, 2, 3 एंड 4। अब मैं इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। इनर सर्कल की मेरे पास डायमेंशन है 10 मिलीमीटर, नेक्स्ट सर्कल की डायमेंशन इज 20 मिलीमीटर, थर्ड सर्कल की मेरे पास डायमेंशन है 30 मिलीमीटर और लास्ट वाले सर्कल की मेरे पास 36 मिलीमीटर डायमेंशन है। ये मेरे पास इस टाइम 4 सर्कल्स इस टाइम ड्रॉ हो चुके हैं और फुली डिफाइंड है। ओके, अब इनको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ पे फीचर्स में जाएंगे और उसी तरह एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस कमांड सेलेक्ट करेंगे और अपने रिक्वायर्ड सर्कल्स को सिलेक्ट करते जाएंगे। दिस सर्कल शुड बी रिक्वायर्ड, अपने कॉन्टूअर्स हमने ठीक तरह से सिलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले अपना आउटर सर्कल उसको ड्रॉ कर लेते हैं। आउटर सर्कल की हमने रिक्वायर्ड डायमेंशन देनी है 20 मिलीमीटर, ओके। उसके बाद इसको हम क्लिक ओके कर देते हैं। अगेन हम यही स्केच सिलेक्ट करेंगे और अपना नेक्स्ट कॉन्टूअर सिलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे
और नेक्स्ट कॉन्टूअर हम सिलेक्ट कर लेंगे। सो नेक्स्ट कॉन्टूअर को मैंने डायमेंशन देनी है, सो दैट इज 20+18। हम इस तरह भी दे सकते हैं 20+18, वो खुद ही से कैलकुलेट कर लेगा 38 मिलीमीटर। क्लिक ओके। उसके बाद अगेन मैं इसी स्केच को सिलेक्ट करता हूँ, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाता हूँ, जो अपना नेक्स्ट स्केच है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देंगे। इसको भी हमने 20 मिलीमीटर रिक्वायर्ड डायमेंशन देनी है। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास इस टाइम इसका एक बेसिक फीचर जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इन फेसेस को डिलीट कर देंगे। तो इन फेसेस को हम डिलीट किस तरह कर सकते हैं, डिलीट फेस की कमांड यूज़ करेंगे। यहीं पे अपने कमांड मैनेजर पे हम टाइप करेंगे डिलीट और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है डिलीट फेस की कमांड। तो यहाँ पे हम रिक्वायर्ड जिन फेसेस को डिलीट करना है उनको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डिलीट एंड पैच को सिलेक्ट करना है, क्लिक ओके कर देंगे। तो ये मेरे पास मेरे रिक्वायर्ड फेसेस जो हैं वो डिलीट हो गए हैं। ओके, फाइनली रिप कमांड के जरिए मैं ये वाले फीचर्स ड्रॉ करूंगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे होल्स ड्रिल कर लेते हैं। तो अगेन मैं इस फेस को सिलेक्ट करूंगा, स्केच में जाऊंगा और रिक्वायर्ड सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। इन सर्कल्स को रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं, डायमेंशन इज 8 मिलीमीटर। और दूसरे सर्कल को हम डायमेंशन ही हम रिलेशन देंगे इक्वल का। इस सर्कल को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, दूसरे सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और मेक इक्वल। उसके बाद इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं टॉप और लेफ्ट साइड से, विच इज 6 मिलीमीटर ईच। सो दिस इज 6 मिलीमीटर। अगेन इस सर्कल को भी हम रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 6 मिलीमीटर। एंड सिमिलरली इस पॉइंट का और इस पॉइंट का हमारे पास जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो 6 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद यही दो सर्कल्स मैं मिरर कर लेता हूँ। तो उसके लिए अगेन सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल सेंटर लाइन, और इस सेंटर लाइन के अबाउट मैं इनको मिरर कर दूंगा। तो तीनों फीचर्स को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, दोनों सर्कल्स और मिड लाइन को सिलेक्ट करेंगे, मिरर को क्लिक करेंगे, ये मेरे पास यही जो स्केच है सर्कल्स मिरर हो जाएंगे। ओके, अब मैं फीचर्स में जाऊंगा और एक्सट्रूडेड कट में जाऊंगा और एंड कंडीशन मैं थ्रू ऑल रखूंगा डाउनवर्ड और क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास होल्स यहाँ पे ड्रिल हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने रिप कमांड के जरिए, रिप कमांड जरा इंपॉर्टेंट है इसमें, उसको देख लें रिप कमांड हमने किस तरह यूज करनी है। तो मैं अपना रिक्वायर्ड प्लेन सिलेक्ट करता हूँ विच इज फ्रंट प्लेन, स्केच में जाता हूँ और यहाँ पे लाइन टूल सेलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देता हूँ और यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन देनी है दैट इज 6 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, अगर हम इसी तरह इसको डायरेक्टली रिप कर लेते हैं तो ये मेरे पास ऊपर वाले पॉइंट पे भी, ऊपर वाले सर्कल पे जाके वहाँ पे भी रिप कमांड शो हो जाएगी। तो उसके लिए हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, जो भी हमारे पास कर्व सरफेस आ जाते हैं हमने इस तरह की ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ज़रूर यहाँ पे ड्रॉ करनी है, अदरवाइज हम रिप कमांड को जो है वो ठीक तरीके से नहीं यहाँ पे रख सकते। सो फीचर्स में आप जाएंगे और रिप कमांड सेलेक्ट करेंगे, रिक्वायर्ड हमने थिकनेस देनी है 6 मिलीमीटर, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड करेंगे, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास इस टाइम रिप फीचर के जरिए यहाँ पे एक फीचर हमारा कंप्लीट हो गया। इस यही फीचर हमने दूसरी तरफ भी लेके आना है। तो मिरर कर देते हैं, राइट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, मिरर कमांड में जाएंगे, फीचर टू मिरर, मेक श्योर के यहाँ पे फीचर्स टू मिरर सेलेक्ट हो, फीचर टू मिरर ये वाला फीचर सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास दोनों तरफ रिप कमांड के जरिए फीचर्स इस टाइम कंप्लीट है। अब हम रिक्वायर्ड फिलेट दे देंगे। तो फिलेट देने के लिए फिलेट को सिलेक्ट करेंगे और रिक्वायर्ड एजेस सेलेक्ट करेंगे, 2 मिलीमीटर हमने फिलेट देना है तो यहाँ पे रिक्वायर्ड रेडियस दे देते हैं 2 मिलीमीटर। और अब हम अपने रिक्वायर्ड एजेस सेलेक्ट करते हैं, एज नंबर 1, एज नंबर 2, ये दोनों एजेस भी हमने फिलेट करने हैं। सिमिलरली जो अंदर वाले एजेस हैं इनको भी हमने फिलेट करना है,
ये वाले एजेस भी हमने फिलेट करने हैं, और फाइनली ये वाले एजेस भी हमने फिलेट करने हैं। तो ये मेरे एजेस सारे इस टाइम सिलेक्ट हैं, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड एजेस फिलेट हो जाएंगे, इनको रिक्वायर्ड अपेयरेंस दे देते हैं। सो यहाँ पे जाएंगे और कोई भी अपेयरेंस दे देते हैं, मैं स्टील सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सिर्फ फिलेट कमांड सिलेक्ट हो गई हैं। ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीट पार्ट इस टाइम इसको अपेयरेंस दे दी गई है। तो हमने इस बेसिक कमांड को इस बेसिक पार्ट को बेसिक कमांड्स के ज़रिए ड्रॉ किया। आई होप आपने देखा होगा किस तरह हम इस पार्ट को एफिशिएंटली और क्विकली डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।